याचिका पर आज सुनवाई होगी। जस्टिस भानुमति की अध्यक्षता में आज सुनवाई होने वाली है। 3 सदस्यीय पीठ मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। मैं सुप्रीम कोर्ट से ही अपील करना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन निकाले कि एक से ज्यादा अगर मुजरिम है तो जिस तरह से वो इकट्ठे गैंग बना के क्राइम करते हैं तो उसी तरह से ये इकट्ठे मर्सी करें, रिव्यू करें और उनको फांसी हो, क्योंकि ये सिर्फ निर्भया की बात नहीं है। हजारों बच्चियां अपने इंसाफ के लिए लड़ रही हैं, न्याय के उम्मीद लगाए बैठी हैं, तो ये गाइडलाइन अगर सुप्रीम कोर्ट आज इश्यू करता है तो निर्भया के मुजरिमों को भी उसके तहत आना होगा और आगे भी बच्चियों को काम करें। निर्भया के दोषी पवन की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। अवैश जुड़ गए हैं। अवैश, हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में आज चुनौती दी गई, आपको क्या लगता है कि जो 22 तारीख को फांसी की सजा देने वाली थी, मिलने वाली थी इन दोषियों को, अब इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है, 1 फरवरी को फांसी दी जाएगी, आपको क्या लगता है सुनवाई में ये डेट और आगे बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार दोषियों की तरफ से डिले टैक्टिक जो है वो अपनाई जा रही है और ये उसी की प्रक्रिया में से एक है। इससे पहले पवन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कहा था कि दिसंबर 2012 में जब ये सानहा हुआ था, जब रेप कांड हुआ था, उस वक्त वो नाबालिग था, तो इसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका भी खारिज कर दी थी और 25,000 रुपये का जुर्माना जो है कोर्ट का समय बर्बाद करने को लेकर वकील के ऊपर भी लगा दिया था और अब फिर सुप्रीम कोर्ट में उसी फैसले को चुनौती दी है। तो साफ तौर पर ये याचिका जो है आज जस्टिस भानुमति की बेंच जो है वो इस मामले में सुनवाई करेगी और मुझे उम्मीद लगता है ऐसा ही है कि इस तरह से हाईकोर्ट ने पहली ही सुनवाई में याचिका खारिज कर दी थी और जुर्माना लगाया था तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह कोई फैसला आ सकता है क्योंकि लगातार डिले टैक्टिक जो है वो अपनाई जा रही है। कहीं ना कहीं कानून में थोड़ा सा लूप होल है कि एक साथ सभी लोग दया याचिका नहीं लगा सकते हैं, क्यूरेटिव नहीं लगा सकते हैं, उसका फायदा जो है वो उठाया जा रहा है दोषियों की तरफ से और अभी तक सिर्फ एक ही जो दोषी है उसने क्यूरेटिव और दया। बहुत बहुत धन्यवाद अवैस, बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ।